लेकिन जो आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है, तकरीबन बैंक लोन का 1,000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तमाम जो ईडी के अफसर हैं यहाँ पर अंदर डटे हुए हैं और तमाम अर्धसैनिक बल के जवान के निगरानी में सारी छापेमारी चल रही है पूरे इलाके को। अगर हम एक बार आपको दिखा दें तो इस इलाके को इस समय तमाम इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज भी हेयरिंग है लखनऊ में और आज ही पड़ा। आप बताइए अभय सिंह के ऊपर पड़ा जो मुख्तार अंसारी के गुर्दे थे, क्या उनके ऊपर पड़ा? सिर्फ जाति से क्या विभोर सिंह के ऊपर पड़ा, धनंजय सिंह के ऊपर पड़ा, अब राजा भैया के ऊपर पड़ा? आज तक जब से सरकार बनी है सिर्फ क्यों ब्राह्मण को टारगेट बनाया जा रहा है? परिवार सारे समाज के सारे जात के लोगों को लेकर एक साथ चलने का काम क्या करते थे, आज उनको किसी भी तरीके से उनको मिटा दिया जाए, ये सिर्फ एक द्वेष की राजनीति यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा की जा रही। हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के तिवारी हाथा यानी हरिशंकर तिवारी के हाथे के ठीक सामने। अगर हम आपको पीछे तस्वीरें दिखा दें तो पिछले कई घंटों से यहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी लगातार सुबह तकरीबन 5 बजे आधा दर्जन गाड़ियों में ईडी के तमाम अफसर यहाँ पहुँचते हैं और अंदर तमाम अर्ध सैनिक बल के जवान मौजूद हैं, उनकी निगरानी में तमाम ईडी के अफसर पहुँचते हैं और ये पूरा मामला दिल्ली यूपी समेत तमाम जगहों पर आज ईडी की छापेमारी जो चल रही है इसको लेकर अभी फिलहाल पूरी चीज़ें साफ तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है तकरीबन बैंक लोन का 1,000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तमाम जो ईडी के अफसर हैं यहाँ पर अंदर डटे हुए हैं और तमाम अर्धसैनिक बल के जवान के निगरानी में सारी छापेमारी चल रही है पूरे इलाके को। अगर हम एक बार आपको दिखा दें तो इस इलाके को इस समय तमाम तरीके से अंदर की तरफ से गेट बंद कर दिया गया और किसी की आवाजाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। हालाँकि पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में यहाँ से एक बड़ा दबदबा रहता है, लेकिन एक तस्वीर आज जो समूचा देश देख रहा है जो ईडी छापेमारी कर रही है इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर होगी ये तो कुछ देर बाद ही साफ होगा, लेकिन सुबह तकरीबन 5 बजे से ये ईडी की पूरी कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, पहले हम इनसे बात करना चाहते हैं। सर आप यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है जो छापेमारी ईडी की चल रही है? जो भी ये छापेमारी की जा रही है सिर्फ चुनावी माहौल को और ये प्रयास किया जा रहा है कि सूबे के सबसे बड़े नेता पंडित हरिशंकर तिवारी जी थे, आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में चले आए और यहाँ पर चुप हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज तक जिस परिवार पर आज 1.5 साल से ईडी छापा मार रही है, एक बार दस्तावेज जब्त करती है, एक बार किसी और चीज़ को जब्त करती है, 1.5 साल के बाद कोई आदमी अपने घर पर कोई सामान को रखेगा जिसे ईडी जब्त कर लेगी? ये सिर्फ चुनावी रंजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिलहाल 5 बजे से ये छापेमारी लगभग चल रही है जी। सुबह 5 बजे ईडी के अफसर तमाम यहाँ अर्धसैनिक बल के साथ पहुँचते और अंदर पूरी तरीके से इसको सील कर दिया गया है, किसी की आवाजाही पर रोक पूरी तरीके से ईडी ने लगा रखी है कि अंदर कोई नहीं आएगा जब तक पूरी कार्रवाई तक ना पूरी हो जाए। और भी लोग हैं सर, आप भी हैं यहाँ पे, क्या लगता है जो छापेमारी चल रही है? ये जो छापा पड़ा है राजनीति से प्रेरित है, यह छापा जो पड़ा है जो सत्ता में हुकुम करान बैठे हैं, जो ऊपर लेवल के जो नेता बैठे हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष को अपने सामने घुटनों के सामने टेंगना चाहता जो आज तक किसी के सामने झुका नहीं कभी। यह मूर्तियाँ ये राजनीति से प्रेरित छापा है और एक ऐसे परिवार के ऊपर छापा है। क्यों? बहुत सारे भी डिफाल्टर हैं इस पूरे यूपी में चाहे अन्य जगह, उनके वहाँ जो जिनके नाम के आगे ठाकुर लगे उनके वहाँ छापा नहीं पड़ रहा है। ये एक ऐसे समाज को टारगेट किया जा रहा है जो समाज कभी ना कभी सभी समाज को जोड़ने का काम करता है, उस परिवार के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो एक बड़ा घोटाले का आरोप फिलहाल ईडी समय कर रही है और तमाम समर्थक सुबह से ही जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, तमाम उनके समर्थक हैं, उन समर्थकों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो समर्थक तमाम बता रहे हैं जो ये कार्रवाई है सर, जो ईडी की छापेमारी चल रही है आज लखनऊ में ईडी की हियरिंग है, आज हियरिंग है, आज ही रेट पड़ गया, एक कौन सा नियम बता दिया, आज ही हियरिंग है लखनऊ में, आज ही रेट पड़ गया। और ये तो केवल सिर्फ ब्राह्मण जात होने का जो है, ब्राह्मण होने का नतीजा है कि जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो एक ब्राह्मण परिवार सारे समाज के सारे जात के लोगों को लेकर के एक साथ चलने का काम क्या करते थे, आज उनको किसी भी तरीके से उनको मिटा दिया जाए, ये सिर्फ एक द्वेष की राजनीति यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा की जा रही है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जब आर्बिट्रेशन दाखिल है तो मामला जब कानून प्रक्रिया में है तो रेट पड़ने का क्या उचित बनता है? ये सरासर निराधार झूठ में वैसे आदमी को बदनाम किया जा रहा है। इस समय तकरीबन 2 बजने को है और सुबह 5 बजे से तकरीबन कई घंटे का ये वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं अगर अंदर दिखाया तो पूरी तरीके से इस हाथे को छावनी में तब्दील कर दिया गया और किसी की आवाजाही पर फिलहाल ईडी के अधिकारियों ने रोक लगा रखी है। सर आपसे भी एक बार बात करना चाहेंगे, आप भी समर्थक, क्या लगता है जो छापेमारी गलत हो रहा है? गलत हो रहा है,
गलत हो रहा है तो हजारों करोड़ घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। अरे वो ये गलत हो रहा है, बहुत जबरदस्ती है सरकार का, सरकार की जबरदस्ती बता रहे हैं तमाम और समर्थक हैं। हम समर्थकों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कार्रवाई तो लगातार जारी है, लगातार कार्रवाई कई घंटों से चल रहा है। क्या लगता है सर जो पीछे अंदर कार्रवाई चल रही है? आप बताइए, एक जांच विशेष के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आज भी हियरिंग है लखनऊ में और आज ही पड़ा। आप बताइए, अभय सिंह के ऊपर पड़ा जो मुख्तार अंसारी के गुर्दे थे, क्या उनके ऊपर पड़ा? सिर्फ जांच विशेष। क्या विभोर सिंह के ऊपर पड़ा, धनंजय सिंह के ऊपर पड़ा, अब राजा भैया के ऊपर पड़ा? आज तक जैसे सरकार बनी है सिर्फ क्यों ब्राह्मण को ही टारगेट बनाया जा रहा है? अब विभोर सिंह को पड़ा, सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ये आप पूछिए। नीरव मोदी और माल्या, मेहुल चौकसी आदि कितने देश लूट के भग गए, उनका सुनने में आता है कि माफ कर दिया गया। बताइए, यहाँ पे जो व्यक्ति पीढ़ियों से जो है राजनीति में है, जनता की सेवा कर रहा है, उसके वहाँ अनर्गल जो है ईडी का छापा पड़ रहा है, वो भी एक बार नहीं कई बार पड़ चुका है। जानकारी थी आप लोगों को? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। क्या करें सर, जानकारी थी आप लोगों को ऐसा कुछ हो सकता है? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, हम लोगों को जब पता चला हम लोग यहाँ पे आए बस। अभी क्या लगता है जो अंदर छापेमारी पिछले सुबह पाँच बजे से 2 बजे? सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग को इस बारे में आइडिया कुछ भी नहीं पता। ये तमाम समर्थक थे, तमाम जो समर्थक सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ, ये बता रहे हैं कि जो छापेमारी चल रही है इसमें हालांकि ये आरोप निराधार बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ईडी अंदर अभी छापेमारी चल रही है और अंदर के पूरे हिस्से को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी की आवाजाही पर फिलहाल गेट को पूरी तरीके से तमाम जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो अंदर आपको मुस्तैद नज़र आ जाएंगे। वो फिलहाल किसी के अंदर आने पर या फिर किसी को बाहर जाने पर पूरी तरीके से ईडी ने रोक लगा रखी है। क्या कुछ तस्वीरें होंगी अभी कुछ समय बाद जब ईडी पूरी कार्रवाई कर लेगी वो सामने आ जाएगी।